अकाल मृत्यु ओ मरी जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जी हाँ, महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में महाकालेश्वर स्वयं विराजित हैं। मैं नीलिमा नारंग अपने YouTube चैनल नीलिमा नारंग ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। उज्जैन नगरी की आकर्षक इन दिनों काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्योंकि महाकाल लोक, जी हाँ महाकाल लोक, जहाँ पर बना हुआ है कॉरिडोर जो भक्तों को काफ़ी आकर्षित करता है और ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चलिए इसकी कुछ खूबसूरत झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए भक्तों, ये है महाकाल कॉरिडोर का ये मुख्य मार्ग, मुख्य रास्ता, दरवाजा। यहाँ से हम प्रवेश करते हैं कॉरिडोर, और जहाँ प्रवेश करने से पहले हमें दर्शन होते हैं श्री गणेश जी के। यहाँ पर श्री गणेश जी की बहुत ही विशालकाय प्रतिमा रखी हुई है, जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। देख सकते हैं आप लोग, हम दिखाते हैं श्री गणेश जी की ये देखिए प्रतिमा। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं अंदर की ओर, आप सबको दिखाते हैं कॉरिडोर का ये सुंदर दृश्य। महाकाल की मूर्ति हमें बताती है कि अकाल मृत्यु का भय हमें नहीं रहता, जो भोलेनाथ महाकाल के शरण में आ जाती हैं। ये कालों के काल हैं, महादेवों के देव हैं। इस महालोक में शिव जी की घटना पर घटित घटनाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ विराजमान हैं, जो महादेव के ऊपर घटी हुई घटनाओं पर आधारित मूर्तियाँ हैं, जिसे महालोक कॉरिडोर में चित्रित किया गया है, जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। ये देखिए महादेव जी का यह सुंदर, और ये सुंदर वह देख रहे हैं लीला का श्री स्वरूप है, और काफ़ी हम इनसे जुड़े हुए महाकाल लोक से, महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े हुए दिखाएंगे। परिसर में घूमने के दिन काफ़ी लंबे होते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा लगता है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर चंद्रदेव, ये देखिए चंद्रदेव भोलेनाथ को अपने आप को उनके जटा में स्थापित करते हुए ये प्रतिमा है, काफ़ी सुंदर मनमोहक। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए भोलेनाथ की बारात निकली हुई है, जो काफ़ी सुंदर चित्रित किया गया है यहाँ शिव जी की बारात का, आप लोग देख सकते हैं। और इधर देखिए और भी हैं, और यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट होते रहता है, यहाँ पर विशाल LED लगा हुआ है, जिसमें महाकाल महाराज की जो बाबा जी हैं उनका जो भी आरती, जो भी तैयारी रहता है वो लाइव, और देख सकते हैं यहाँ पे ये दशानन कौन है मालूम है, यहाँ पर उनकी प्रतिमा है, यहाँ चित्रित किया गया है। आगे और भी दिखाते हैं, कॉरिडोर में घूमने के लिए तो वैसे बहुत सारी जगह हैं, आप कहाँ से आ सकते हैं, क्या क्या जगह घूम सकते हैं, सब हम अभी इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। और ये देखिए यहाँ पर विष पी रहे हैं भोलेनाथ, समुद्र मंथन का काफ़ी मनमोहक सुंदर चित्रण किया गया है, जो दर्शकों को मनमोह लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इधर हम आगे और जाते हैं, यहाँ से देखेंगे आप ये है महाकाल बाबा के दरबार में प्रवेश करने के लिए रास्ता है इधर से। ये देखिए यहाँ पे विराजमान है हमारे महाकाल सरकार, और ये कॉरिडोर का बहुत ही मनमोहक सुंदर दृश्य। और आगे देख रहे हैं भोलेनाथ का नटराज स्वरूप, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से लोग लाइन लगाने के लिए जा रहे हैं सभी। देखिए बाबा जी का ये दिख रहा है मंदिर, और ये देखिए यहाँ पर काफी सुंदर प्रतिमाएं हैं, मनमोहक लगते हैं, यहाँ पर आओ तो जाने का मन नहीं करता, देख सकते हैं। ये देखिए
बहुत सुंदर, पर दिन के बजाय यहाँ रात में आओ तो अलग ही आनंद रहता है, क्योंकि रोशनी की चमक जब कॉरिडोर की सारी इन मूर्तियों पर पड़ती है तो अलग ही नज़ारा होता है। तो मैं तो कहती हूँ रात में ही आइए। चलिए मैं आप सभी को रात में ही घुमाती हूँ, रात में भी ये देखिए नाइट में कैसा दिखता है कॉरिडोर का। ये जहाँ पर हम घुसे थे मेन गेट, ये है कॉरिडोर का मेन दरवाज़ा, जो अभी रोशनी में कितना सुंदर लग रहा है। हम रात को भी यहाँ पे पहुँचे हैं, ये देखें हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी को दिखाते हैं। ये देखिए रोशनी की चमक में कॉरिडोर का ये नज़ारा ही कुछ अलग दिख रहा है, बहुत सुंदर मनमोहक। देवों के देव महादेव, बाबा भोलेनाथ महाकालेश्वर लोक में महाकाल लोक के नाम से जाना जाता है ये कॉरिडोर, और इससे थोड़ी दूरी पर है बाबा जी की मंदिर, जहाँ पर हम दर्शन करते हैं। और ये देखिए शुरू में ही श्री गणेश जी के उनके पुत्र का दर्शन होता है, और अंदर प्रवेश करने के बाद ये देखिए कितना मनमोहक ये दृश्य दिख रहा है। और सामने ही यहाँ पर ये देखिए बाबा जी की त्रिशूल, डमरू, ये सब। और इस साइड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये देखिए दिख रहा है सप्त ऋषियों का यहाँ पर प्रतिमा बना हुआ है, सप्त ऋषि का। और ये सामने में ये है त्रिशूल डमरू, जो दर्शकों को फोटो खिंचाने के लिए काफ़ी मजबूर करते हैं। यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में फ़ोटो शूट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग की इतना मनमोहक ये दृश्य लग रहा है यहाँ से। इधर इस साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पर सप्त ऋषि का प्रतिमाएं बनी हुई हैं, वहाँ पे प्रसाद काउंटर भी है जहाँ से आप लड्डू ले सकते हैं। और सीधा हम आगे बढ़ते हैं, आप सभी को ले चलते हैं। ये देखिए प्रतिमा तो मैं पहले ही आप सभी को बता चुकी हूँ, लेकिन नाइट में कैसे दिखता है ये देखिए। हमने आपको दिन का दर्शन कराए, अब रात में कैसे दिखता है कॉरिडोर उसका नज़ारा देखिएगा, मजे लीजिए। नमो नमो हे शंकरा भोलेनाथ शंकरा, चंद्रदेव अपने आप को भोलेनाथ की जटा पर स्थापित करते हुए। चलिए हमारे साथ आगे बढ़िएगा। आप लोग देख सकते हैं रात्रि कालीन में कॉरिडोर का दृश्य ही नज़ारा ही कुछ अलग होता है। मैं तो कहूँगी आप कभी भी आए तो कॉरिडोर का जो दर्शन है, कॉरिडोर घूमने का है, वो रात में कीजिए तो बहुत ही आनंददायक रहता है, बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे दिन को भी घूम सकते हैं। ये देखिए यहाँ अमृत मंथन का ये सीन, ये जो दिख रहा है कितना सुंदर दिख रहा है। तो रात में ही बहुत आनंदमय रहता है इनका दर्शन करना। श्री महाकाल, काफी लोग यहाँ पर रात में घूमते हैं। और वो दिख रही है जो मंदिर, वो है भारत माता की मंदिर, और वहाँ पे दिख रहे हैं पंचमुखी बजरंग बली का, वहाँ पे भोलेनाथ की और प्रतिमा भी है बहुत सारी। ये है पवन पुत्र बजरंग बली के रूप में। तो चलिए भक्तों आज के वीडियो में इतना ही, चलते हैं हम अपने होटल की ओर जहां हम ठहरे हुए हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। और हमारे वीडियो पे बने रहिए क्योंकि हम आप सभी को बाबा जी की शयन आरती दिखाने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम आप सभी को शयन आरती दिखाएंगे। तो जय महाकाल।